टीम माइकोसोल के पास अब पूरा जोन का एडवांटेज है, हायर ग्राउंड है, फिनिशेस वो वहां से निकाल रहे हैं, ऑलरेडी उनके पास 6 फिनिशेस आ चुके हैं और एंकी ज्यादा फाइट भी नहीं करी उन्होंने, बस ऊपर से फिनिशेस निकाले हैं एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग। बट वोल्टेक्स अभी भी सर अपना जो वजूद है वो दिखाते हुए एक नॉक वहां पे निकाला गया, देखना ये कि फिनिश क्या वो भी उनके खाते में जाएगा। और आइकुटोल देखिए ऊपर वाला सब देख रहा है और ऊपर से आइकुटोल वो एडवांटेज को पूरी तरीके से अपने खाते में लेके जाएंगे। 7 फिनिशेस उनके पास हो चुके हैं, ये चिकन डिनर भी उनके पास ही जाता हुआ नजर आ रहा है। बस सवाल यही कि कितने और फिनिशेस वो यहाँ से निकाल सकते हैं, बस प्लेयर्स को नीचे आना पड़ेगा। सवाल ये बनेगा कि गाड़ी उनके पास, बट अभी के लिए तो वो रुक ही नहीं रहे, उतने फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं उस हायर ग्राउंड एडवांटेज से। 7 उनके पास, 8वां वहां पे नॉक है, वो भी कंफर्म कर सकते हैं काफी जल्दी। चलिए कंफर्म किया उन्होंने 8 फ्रैग्स ऑलरेडी, बस सवाल यही है क्या नीचे आ पाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। देखिए मुझे BMPS का वो फाइनल्स का मुकाबला याद आता है जहां पे ऐसा ही कुछ सर्कल बना था और फिर वो 3 खिलाड़ी जिन्होंने वो जंप ऑफ डेथ ली थी और वो फिनिश होते हुए नजर आए थे। आई एम प्रीटी श्योर कि वो सेम चीज यहां पर रिपीट होती हुई नजर नहीं आएगी। तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो फाइनल फाइट है वो टीम आइकुसोल वर्सेस वोल्टेक्स की जरूर रहने वाली है, बट सवाल वही कि वोल्टेक्स उनके पास कितने डाउन करने का मौका है, वो फिनिश निकाल सकते हैं वहां पे। जी हाँ वहां पे निकाला भी गया, मैं बस देख रहा था कि क्या उनकी पोजीशन रिवील्ड आउट हुई थी मान्या के द्वारा जब उन्होंने जंप किया। जी हाँ उन्होंने देखा वहां पे एनिमीज अहेड ऑलरेडी मार्क किया जा चुका है। एक और फिनिश आप सोचिए कि साइरेक्स वो दिला के गए अपनी टीम को, रोनी की बात करें वो भी जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवमेंट अब इस मुकाबले का हो चुका है। हालांकि जो व्हीकल है वो भी मौजूद है, मैं इसी चीज की चर्चा कर भी रहा था कि व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है नीचे उतरने के लिए। ग्रेविटी जॉर्ड वो अपनी टीम को 5 इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के अंक दिला के गए और टीम आइकुसोल उनके पास अब कोई भी दूसरा रास्ता बचेगा नहीं। पोजीशनिंग रिवील्ड है साइरेक्स की और उनको टेक डाउन किया जाएगा और टीम आइकुसोल पिछले मुकाबले में जो बिजनेस अनफिनिश्ड रह गया था वो फिनिश करते हुए नजर आएंगे, एक मेजर कमबैक करते हुए टीम आइकुसोल और ये मुकाबला चिकन डिनर के साथ। चलिए ऑलरेडी हमने कहा था कि आज का दिन है डे ऑफ कमबैक, आइकुसोल का कमबैक यहां पे आ चुका है। रेकनिंग बहुत बेहतर खेल